देखिए, पूरे बिहार में विकास की धारा बही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में वह विकास की धारा बिहार के जन जन तक पहुंची है, किशनगंज के भाइयों बहनों तक पहुंची है। लोगों के मन में यह है कि आज तक 70 वर्षों में जो विकास के कार्य नहीं हुए थे वह नरेंद्र मोदी जी के 5-5.5 वर्षों के शासनकाल में हुआ है। गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, रोज़मर्रे की जो चीज़ें हैं वह उनको अब प्राप्त होने लगा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भी गांव की सड़कें बन गई है, रसोई घर में गैस कनेक्शन आ गए हैं, बिजली पहुंच गई है, आयुष्मान भारत से हमारे परिवार के इलाज की गारंटी हो गई है। इन सब चीज़ों पर लोगों ने मन बनाया है और किशनगंज की जीत सुनिश्चित है। यहां से बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। सर, एनआरसी को लेकर दुविधा है, सर एनआरसी को लेकर दुविधा है लोगों में, क्या दुविधा है? मतलब एनआरसी जो मिला होगा या फिर भेज दिए जाएंगे जो यहाँ के स्थानीय है? भागेंगे क्यों नहीं, कल ही इनके अध्यक्ष बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के इनको साथ चलना चाहते हैं। 1 तारीख को आए थे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे जवाबदेह मंत्री होते हैं वो, और उन्होंने एनआरसी के ताल्लुक से विश्वास दिलाया देशवासियों को। उन्होंने हिंदू कहा, सिख कहा, ईसाई कहा, पारसी कहा, लेकिन मुसलमान का नाम हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उनकी जबान पे नहीं चढ़ पाया। ये लोग पूरे तौर पर माइनॉरिटी को निशाना बनाकर, चूँकि देश में GDP की रेट घट गई है, देश तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, बीमारों को दवा नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को उसके फसल का मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, और ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं पूरे देश में। इनका एक ही मंशा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी को निशाना बनाओ, चूँकि इनको मजा चिख चुका है खून का। ये समझते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने से और गुजरात में दंगा करने से मेरा गिरा बढ़ा है, तो इसलिए यही काम कर रहे हैं। बहुत दिनों तक हिंदुस्तान में लोग संयम बरतने वाले हैं, हिंदू समाज में हो, सिख समाज में हो, लोग धार्मिक उन्माद करने वाले नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो बाबरी मस्जिद के लिए सबसे ज़ोरदार आवाज़ हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया था। बाबरी मस्जिद के फेवर में गवाह देने वाले दर्जनों हिंदू भाई आज भी देश में जिंदा हैं। बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए हिंदू वकील ने बगैर पैसे की भी पैरवी की है। तो मर्यादाएं अभी मरी नहीं है, थोड़े दिन के लिए इसने देश को धोखा दिया है, ये धोखा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। देशवासी मिलकर रहना चाहते हैं, ये धर्म उन्माद के लिए नहीं आया, धर्म आदर्श के लिए आया, शांति के लिए आया, सौहार्द के लिए आया। मंदिरों में लोग पूजा करें, मस्जिदों में अजान दें, इससे किसी को तकलीफ नहीं होती रही है। लेकिन ये सरकार कभी कब्रिस्तान का मामला उठाती है, कभी श्मशान का मामला उठाकर सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में तोड़ पैदा करना चाहती है। यही वजह है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि NRC के बारे में बोल सकें, चूंकि उनके दिल में कुछ है और जबान में कुछ है।